हेलो गाइज नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है गाइज। आज आप लोगों को मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा बैट का कि किस तरह का बैट आपने ख़रीदना चाहिए। अगर आप एक अच्छे लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, नॉर्मल लेवल का भी क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं, अगर आपके पास एक टॉप क्वालिटी का बैट है तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ही डबल रहेगा जब भी आप खेलने के लिए जाओगे। तो एक अच्छा बैट सेलेक्ट कैसे करना है, सभी लोगों को इसके ऊपर डाउट रहता है। कोई कलर के ऊपर जाता है, कोई डिजाइन के ऊपर जाता है, कोई हर लोगों का अलग अलग सोचना है, अलग अलग देखना है। जो जैसा देखता है कि किसी बैट से अच्छे छक्के लग रहे हैं तो उसको लगता है कि हाँ इस टाइप का बैट अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बैट का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उसकी लकड़ी। लकड़ी के ऊपर बैट डिपेंड है, उसके अलावा बनाने के ऊपर, दो चीज़ के ऊपर पूरा फोकस अगर जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अगर रखेगा तो हमेशा ही उसके बैट एकदम टॉप लेवल के रहेंगे। जो हमने ये बैट बनाए हैं उसकी मैं खासियत बताऊंगा, और इसके जब आप इससे खेलेंगे जहां जहां पे ये बैट पहुंचे, आप चाहो तो इंस्टाग्राम में इसका रिव्यूज़ देख सकते हो। ये USA, इंग्लैंड, कनाडा, दुबई, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बैट जाते हैं। अभी ओमान में भी गया था रिसेंटली, तो हर जगह बैट जाते हैं। तो इंडिया में तो है ही है, उसके अलावा जो फॉरेन में गए हुए हैं बैट, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू आते हैं बैटों के। तो काफ़ी खुशी होती है कि हमारे बैट वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके उन लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और जबकि इंडिया में जो बॉल हम खेलते हैं हार्ड टेनिस, वो 120 ग्राम से 130 ग्राम के बीच में होती है, और वहाँ पे 140 ग्राम की बॉल होती है जिससे खेलते हैं, वो हमारे से भी थोड़ा सा भारी होती है। तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं बैट, जिन जिन्होंने लिया है अभी एक दूसरे को कांटेक्ट करते रहते हैं वो कि ये बैट लेने हैं करके। तो इन बैटों को थोड़ा सा मैं पहले उछाल के देखता हूँ, हालांकि उछालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले वीडियो में बताया था कि ये बैट अगर टेनिस बॉल से आप उछालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक छोटी सी लकड़ी से भी अगर बैट बॉल उछालेंगे तो बहुत दूर जाता है, उससे आपको कुछ भी पता नहीं लगा। ये लेदर बॉल है, इससे भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसमें कहीं डेंट तो नहीं पड़ता, अगर नॉर्मल प्रेसिंग इसके अंदर है थोड़ा सा डेंट इसमें पड़ेगा बॉल। ये देखिए इस तरह से बॉल उछल रहा है, ये वाइट बॉल है लेदर की। ये इसका एकदम साउंड जो है बहुत ही बढ़िया आता है, और जो ये बैट है इसकी खासियत मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपने बैट कहीं से भी लेना हो, हम ये नहीं बोलते हमसे ही बैट लो, कहीं से भी लेना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि बैट देखिए जो प्लेयर एडिशन हम बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ प्लेयर एडिशन, ये लिखने से प्लेयर एडिशन नहीं हो जाता। मैं क्लियर बता दूँ, यानी कि कोई लो क्वालिटी के बैट में मैं ये स्टिकर चिपका दूँ और प्लेयर एडिशन हो जाएगा। प्लेयर एडिशन का मतलब जो हम बैट बनाते हैं वो ये है कि पेड़ जो होता है ना, कोई सा भी पेड़ ले लीजिए, उसके तीन हिस्से कर लीजिए। तीन हिस्से में जो सबसे बॉटम के हिस्से का होता है, लगभग बॉटम के हिस्से से 5 मीटर या 8 मीटर के करीब में जो लकड़ी रहती है उसका बैट बनता है, लेदर का बैट, जो लेदर का कश्मीर विलो का बैट बनता है। वैसे तो आजकल इंग्लिश विलो ही ज़्यादा चलते हैं, बट पहले टाइम पे कश्मीर विलो चलते थे। अभी भी जो बहुत ज़्यादा महंगे बैट नहीं खरीद सकता इनिशियल स्टेज में, जो मिडिल क्लास के हैं, तो वो कश्मीर विलो यूज़ करते हैं, हम भी कश्मीर विलो ही यूज़ करते हैं। तो ये बैट जो है वो उसी लकड़ी में से बनाया गया है जो बॉटम के हिस्से की है। मिडिल की हिस्से की जो लकड़ी होती है वो भी थोड़ा सा एब्रेजन ठीक रहती है। जो टॉप के हिस्से की रहती है ना, उनके लिए जो छोटे छोटे बच्चों के बैट बनाते हैं, 200 300 500 वाले, वो वाले बनते हैं, बिल्कुल लो क्वालिटी में आ जाता है ऊपर वाला, उसी बैट का ज़्यादातर यूज़ लोग इस टेनिस बैट में करते हैं। तो उसमें भी प्लेयर एडिशन चिपका देते हैं, चाहे कैसा भी हो, कितना भी हल्का हो, कैसा भी हो, वो सब चिपका देते हैं। तो उससे लोगों को लगता है हाँ ये प्लेयर एडिशन होता है। बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं लोग, धोखा खाने के बाद बोलते हैं यार वहाँ से बैट लिया था, ये था। देखो 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता, हमारा भी जो प्रोडक्ट है वो 100% तो सही नहीं हो सकता। अगर हम 1000 बैट कहीं पे भेजेंगे, 1000 में से एक आध पीस में कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी, 100% दुनिया में कोई सही नहीं हो सकता। लेकिन हमारा अगर परसेंटेज 98 या 95% भी सही है तो इसका मतलब सभी कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी के बैट मिल रहे हैं। गाइस जो भी हमने बैट बना रखे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उससे बना रखे, उसके अलावा ये काफ़ी हार्ड प्रेस है, मतलब मशीन से बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया है इनको। देखो नॉर्मली क्या होता है, आजकल क्या करते हैं लोग, ट्रिपल ब्लेड बैट यूज बोल रहे हैं, मतलब इतना मोटा है जिसका है। गाइस ऐसा होता ही नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, लकड़ी लगभग इतनी इतनी चौड़ी आती है वहाँ से, जब भी आती इतनी इतनी चौड़ी आती है वहाँ से, लकड़ी की कटिंग पीस होकर आती है। अगर उस पीस को आप मशीन के अंदर दबाओगे ही नहीं तो वो मोटा ही तो रहना ही रहना है, आपको लगेगा अरे इतना मोटा बैट है, और अंदर से पूरा खोखला कर करके उसको हल्का बना देंगे, आपको लगेगा हाँ यार इतना मोटा एज है, और देखो आपको लगेगा बहुत तगड़ा शॉट जाएगा, लेकिन जाता नहीं है। सभी बैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम बैट में शॉट नहीं जाता। अगर आपका 1000 ग्राम
1020 ग्राम ऐसे है तो, और इतना मोटा है तो बिल्कुल खोखला होगा, समझ लो बैट में जान ही नहीं होगी, लकड़ी बिल्कुल ही लो क्वालिटी की होगी और मशीन में प्रेस नहीं होगी। ये देखिए पतला एज है, इससे इतने लंबे छक्के जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बहुत ही तगड़े छक्के जाएंगे। और ये बैट थोड़ा सा भारी बैट है, यानी क्योंकि ये लकड़ी लेदर वाली लकड़ी है तो इस थोड़ा सा वेट आएगा इसमें, बट अगर सूख जाएगा थोड़ा सा तो सूखने के बाद और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, लगभग 1100 ग्राम के करीब में इसका वेट आएगा। ये अभी 1200 ग्राम है क्योंकि लकड़ी हाल ही रिसेंटली में बनाया गया इसको, तो स्टार्टिंग में लकड़ी कच्ची रहती है कुछ दिनों तक, उसके बाद ये हल्की हो जाती है थोड़े दिन बाद सूखने के बाद। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बैट है ये, अगर आप जाएंगे तो इसी तरह के बैट लें, लकड़ी पहचानना आपको आना चाहिए वहाँ जाके। कोई बोलता है रेड कलर, कोई बोलता है व्हाइट कलर, रेड व्हाइट से कोई मतलब नहीं, अगर बॉटम के हिस्से की लकड़ी है तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग 95% स्ट्रॉन्ग होगी होगी वो, और टॉप की हिस्से की आपको कोई सा भी कलर ले लो वो बेकार ही जाएगा वो। इसके अलावा अगर पावर हिटिंग आप करते हैं तो कम से कम 1100 से 1150 ग्राम के बीच में आप बैट होना ही होना चाहिए आपका। उसके लिए मैक्सिमम लोग बोलते हैं बैट स्विंग नहीं आता हमारा, देखो थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे ना, दो बैट पकड़ के थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा स्विंग अपना बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका बैट ज़्यादा वेट वाला है तो आप, अगर लकड़ी आपने अच्छी ली है वेट ज़्यादा है तो इसको साइड से पीछे से लकड़ी के कारपेंटर से और कम करवा के अपने लेवल में इसका वेट ला सकते हैं, लेकिन लकड़ी की क्वालिटी आपकी अच्छी की अच्छी ही रहेगी। अगर आपका ऑलरेडी बहुत कम वेट है और बैट में शॉर्ट नहीं जा रहा तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी कम है, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं बट कम है तो कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। तो इसलिए थोड़ा सा वेट वाला बैट लें, ट्राई करें, अच्छे शॉट जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा भारी लग रहा है तो आप पीछे से कम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये राउंड बना हुआ है यहाँ पे, इसमें से थोड़ा सा और इतना इतना और कम करवा देंगे, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा और निकलवा लेंगे या साइड से कम कर लेंगे तो आपका 100 ग्राम वेट और कम हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो लकड़ी है ना उसका क्वालिटी टॉप का ही रहेगा और आपका बैट बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो इस तरह के बैट आप सेलेक्ट करें जब भी आपने लेना है, यहाँ से लेना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और कहीं और से भी लेना है तो बैट देख के ही लेना कि इसी तरह का बैट आपको मिले जो एकदम पावरफुल रहे, क्योंकि 1 या 2 मीटर में ही बहुत डिफरेंस आ जाता है। आपने शॉट मारी, आपकी 65 या 70 मीटर की बाउंड्री है, कहीं भी 80 मीटर की भी होती है बाउंड्री, वैसे तो टेनिस में इतना लंबा होता नहीं, 65 या 70 मीटर से ज़्यादा नहीं रहता, कहीं रहता भी है तो 1-2 मीटर से बैट की वजह से आपका कैच अगर चला जाए हाथ में तो आपको भी बुरा लगेगा। इसलिए ऐसा हो कि बैट अगर लगे तो भारी जाए,